स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सैटेलाइट और मून के बारे में बताया था, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मून सैटेलाइट प्लानेट के अलावा भी हमारे अर्थ पे, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे भी कैलेस्ट्रियल बॉडी है प्लानेट सैटेलाइट के अलावा, जैसे एस्ट्रॉइड्स। ये क्या होता है? एस्ट्रॉइड्स और रॉकी से है ना कैलेस्ट्रियल बॉडी अराउंड द सन। एस्ट्रॉइड्स हम लोग बोलते हैं उसको। यह भी क्या होता है? एक रॉकी कैलेस्ट्रियल बॉडीज का मतलब होता है पथरीला बॉडी होता है, ठीक है ना, पथरीला बॉडी है ना, जो क्या होता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लानेट। इसको छोटा प्लानेट भी कहा जाता है, माइनर प्लानेट कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम लाई इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट फाउंड बिटवीन द मार्स। ज़्यादातर जो है ना एस्ट्रॉइड्स होते हैं वह मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट बना हुआ है, एक पट्टी बना हुआ है उसका, उसी के बीच पाया जाता है ना। कियर्स इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स। अब आप लोग को बता दें, लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स का नाम है एक कियर्स, है ना। कियर्स एक नाम है जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड उसको कहा जाता है। लार्जर एस्ट्रॉइड आर कॉल्ड प्लेनेटॉइड्स, है ना। अब इसके अलावा और भी बहुत बड़ा बड़ा एस्ट्रॉइड्स है जिसे प्लेनेटॉइड्स कहते हैं, है ना। चलिए एक चीज़ हम बता देते हैं, कियर्स इज द लार्जेस्ट एंड द ओनली एस्ट्रॉइड विच हैज बीन असाइंड द स्टेटस ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। देखिए, कियर्स एक सबसे बड़ा और एस्ट्रॉइड से जिसे ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब जैसे एक प्लूटो के बारे में हम लोग बताए थे, है ना, इस प्लेटू को क्या है, उसे प्लानेट माना गया है, लेकिन अभी ये पूरा तरह उसे मान्यता नहीं दी गई है। तो आपने पढ़ा एस्ट्रॉइड्स के बारे में, अब बात करते हैं कोमेट्स। कोमेट्स इज एन आइसी बॉडी विच रिलीज गैस और डस्ट। यह एक आइसी बॉडी है, बर्फीला एक सब्सटेंस चीज है जो क्या करता है, जिससे गैस निकलता है, जिससे डस्ट निकलता है। एज द ऑर्बिट अराउंड द सन सम ऑफ आइस है ना सम ऑफ इट्स आइस बिगिंस टू मेल्ट अवे। जब वह सन के ऑर्बिट में रहता है तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि सन का लाइट हीट होता है, गर्म होता है, जिसकी वजह से उसका कुछ पार्ट जो है ना पिघल जाता है ना, विच रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ इलोंगेटेड टेल, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि उसका टेल बन गया है, पूंछ बन गया हुआ है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोमेट्स है, लेकिन कोमेट्स क्या है, आप लोग को पहले ही बता है कि इससे गैस और डस्ट निकलता था। देखो, ये गैस और डस्ट निकलता है, जब इसका कुछ जो है पार्ट पिघल जाता है तो यह इस तरह लंबा हो जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे इसको टेल निकल गया हुआ है। कोमेट्स हैव टू टेल्स, इसका दो टेल होता है, वन इससे डस्ट निकलता है और वन टेल होता है जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज गैस निकलता है, इससे गैस निकलता है और वह गैस में करेंट रहता है, उस गैस में करेंट रहता है, याद रखिएगा। कोमेट्स दो टाइप का पीरियड होता है ना, कोमेट्स जो है दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक पीरियोडिक एक नॉन पीरियोडिक, है ना। पीरियोडिक कोमेट्स इज सीन्स द फिक्स्ड इंटरवल। पीरियोडिक कोमेट्स से वह एक इंटरवल के बीच में आता है, इतना दिन के बाद दिखाई देगा, इतना दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल, हेलीज कोमेट इज अ पीरियोडिक कोमेट्स। हेलीज कोमेट्स एक नाम है, हेलीज एक नाम है ना, जो जिसे कोमेट्स है ना, हेलीज कोमेट्स एक नाम है, वह जो है इट टेक्स 76 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। इसको एक रिवोल्यूशन करने में लगभग 76 ईयर लगता है और यह लास्ट बार कौन चीज हेलीज कोमेट जो है वह लास्ट बार 1986 में दिखाई दिया था। नॉन पीरियोडिक कोमेट्स आर दोज डैट वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्जर्व ओनली वंस। और नॉन पीरियोडिक कोमेट्स ऐसा होते हैं जिसका कोई पीरियड नहीं होता है और उसे हम लोग एक बार देखते हैं और फिर वह ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा कोमेट्स के बारे में। अब बात करते हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स इज अ सॉलिड पीस ऑफ है ना डेब्रिस फ्रॉम एस्ट्रॉइड और कोमेट्स। देखिए, अभी मैंने आपको बताया एस्ट्रॉइड्स रॉकी जगह है, कोमेट्स क्या है, आइसी बॉडी है। इन दोनों जगह से, एस्ट्रॉइड से और कोमेट से, जो कचरा, जो डस्ट वगैरह निकलता है, वही डस्ट वगैरह जो है मेट्रॉइड बन जाता है और वह जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है ना। इट्स साइज रेंज फ्रॉम द गेस्ट एट द बोल्डर। इसका जो साइज होता है, जिस तरह अनाज ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे चावल और गेहूं का जो दाना होता है, इतना बड़ा भी हो सकता है और इसका साइज बहुत बड़ा पत्थर की तरह भी हो सकता है। किसका साइज? मेट्रॉइड का साइज, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स और कोमेट्स से जो कचरा
या पूरा निकलता है तो उसका साइज एक ग्रेन अनाज की तरह भी हो सकता है या उसका साइज एक बहुत बड़ा पत्थर की तरह भी हो सकता है ना। वंस अ मेट्रोइड्स इंटर द अर्थ एटमोस्फियर इट स्टार्ट बर्निंग, और जब ये मेट्रोइड अर्थ के सरफेस में अर्थ के एटमोस्फियर में आता है तो वह जलने लगता है ना। दीज बर्निंग पीसेज कॉज फ्लैश ऑफ लाइट विच लुक लाइक शूटिंग स्टार, और यह जब अर्थ के एटमोस्फेयर में जलता है बर्निंग करता है तो ऐसा लगता है जैसे इसे ही उल्का पिंड की तरह एक जो है ना जलता हुआ चमकता हुआ तारा जिसे उल्का पिंड कहा जाता है। हम लोग कभी कभी उल्का पिंड दिखाई देता है, बहुत छोटा रहेगा और वह चमकता रहेगा, जलता रहा है, जलता हुआ स्टार की तरह दिखाई देगा है ना। बट वेन अ मेटेरियल सर्वाइव इट फॉल्स एंड कोलाइड्स, लेकिन जब क्या होता है ये मेटेरियल सर्वाइव होता है नहीं तो यह जो है सो फॉल होके कोलाइड्स हो जाता है, फॉल नीचे जमीन में गिर कर वह जमीन से टकरा जाता है। इसीलिए बच्चों आप लोग सुनते होंगे कि कभी कभी उल्का पिंड गिरने वाला है। कुछ दिन पहले भी ऐसा न्यूज आया था कि हमारे अर्थ से एक मेटोर्स है ना, एक मेटोर्स जो है एक उल्का पिंड टकराने वाला है, इसीलिए सुबह में बिजली को काट दिया गया था है ना। तो यही जो है सो मेट्रोइड्स होते हैं, अर्थ सरफेस एंड इज नोन एज मेट्रोइड, और जब वह जमीन पे गिरता है और अर्थ से टकरा जाता है इसे ही हम लोग मेट्रोइड कहते हैं। मेट्रोइड्स क्रिएट अ होलो और अ क्रिएटर ऑन द एरिया दे फॉल, जो है ना जब मेट्रोइड्स अर्थ पे गिरता है तो वह क्या होता है अर्थ पे एक होलो बना देता है, एक जो है गड्ढा बना देता है ना, एक गड्ढा बनाता है जिस है ना जो है सो क्रिएट करता है, और इसे जो है सो हम लोग क्रेटर्स कहते हैं। वह बहुत बड़े एरिया पे एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है ना। तो डियर स्टूडेंट्स नाउ आई टोल्ड यू आई लर्न है ना, आई टीच यू अबाउट द कॉमेट्स एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रोइड्स थ्री अदर है ना अब हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे आपको जितना पढ़ाया इससे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग यहाँ कर सकते हैं। ओरली क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्लानिट प्लानेट, इस प्लानेट को ब्लू प्लानेट कहा जाता है ना। सैटेलाइट और एस्ट्रॉयड के बीच क्या डिफरेंस होता है ना। सबसे फेमस कॉमेट्स का नाम क्या है, शूटिंग स्टार क्या होता है, इन सब चीज़ आप लोग खुद ओरली आंसर दे सकते हैं ठीक है। चलिए यूरी गैगरिन फ्रॉम द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन से अमेरिका से यूरी गैगरिन है ना नाम का एक साइंटिस्ट एक एस्ट्रोनॉट से वह सबसे पहले स्पेस में गया। स्पेस में जाने वाला सबसे पहला आदमी जो है वह यूरी गैग है ना गैगरिन है, जो अमेरिका से बिलोंग करता है ना, वह सबसे पहले अर्थ के ऑर्बिट में गया और जो है सो स्पेस में गया ठीक है। लेकिन चंद्रमा पे सबसे पहले जाने वाला आदमी कौन है आप लोग उसको अच्छी तरह जानता है, डैट पर्सन वाज नील आर्मस्ट्रांग। उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पे गया और सबसे पहले चंद्रमा पे अपना पैर रखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स योर फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योग्राफी विच नेम्ड अर्थ एंड द सोलर सिस्टम इज फिनिश्ड टुडे, होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आई रिक्वेस्ट ऑल्सो यू टू राइट प्लीज टेक अ मोर एंड मोर बेनिफिट्स ऑफ द लॉकडाउन पीरियड बिकॉज यू हैव फुली 24 आवर टाइम यू कैन ऑलवेज टू स्टडी एंड वन मोर बेनिफिट्स ऑफ यू डैट दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन क्लासेज डैट वी डोंट टेक ऑनलाइन क्लास बट वी अपलोड वीडियोज एंड वी अपलोड वीडियोज डैट वीडियोज विल बी अपलोडेड फॉर एवर ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम एंड यू ऑफन यू वेन यू नीड यू कैन ओपन डैट वीडियोज एंड कैन स्टडी एंड कंटिन्यू योर स्टडी एंड यू कैन सीन इट मेनी मेनी टाइम्स यू कैन सीन इट एंड यू कैन स्टडी बाय दिस वीडियोज वेन यू लाइक। Then dear students, I hope you are doing well and after that I will send you objective and question answer. All students which has notebook, who does not purchase book until all students will mention all objective in your fair copy, and students which has available the book, please you cannot, there is no need to write the objectives in your book, you can write only question and answer. Okay, thank you very much. Goodbye. Have a nice day to all of you.